मित्रों एक बार फिर स्वागत है आपका। एक बहुत ही दिलचस्प और रोचक चर्चा त्वचा विशेष समस्याओं पर शुरू है और हमारे साथ आज जो विशेषज्ञ उपस्थित है वे हैं अमरावती शहर के नामी ग्रामी चर्मरोग विशेषज्ञ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय जी अग्रवाल। और जैसे कि हम सभी जानते हैं सौंदर्य हमारी आंतरिक इच्छा है और ये हर उम्र में हर लिंग के साथ हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है और होनी भी चाहिए। होता यूँ है कि जैसे से उम्र बढ़ती है तो जब शरीर के हर अवयव एक एजिंग प्रोसेस से जा रहे हैं और जिसको अंग्रेजी में वेयर एंड टियर कहा जाता है, घिसाई कही जाती है, उसका प्रभाव त्वचा पे भी पड़ता है। सर, जिस एजिंग प्रोसेस के साथ उम्र के साथ त्वचा में जो फर्क आता है और त्वचा जो निस्तेज होती है, कांतिहीन होती है, उसकी चमक खोती जाती है, कई बार डार्क भी होती है, और जैसे मैंने कहा कि ये किसी को भी पसंद नहीं है, हर एक आदमी युवा जवां दिखना चाहता है, इसके ऊपर आपकी सलाह क्या है? बड़ा दिलचस्प प्रश्न है। हर एक आदमी चाहता है कि मैं हमेशा अच्छा दिखूं, मुझे स्किन अच्छी दिखना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए, सबने सोचना बिल्कुल वाजिब है। और हम देखते हैं कुछ लोगों की स्किन बहुत उम्र के साथ में भी बड़ी अच्छी दिखती है, बोलते हैं अच्छा दिख रहा है, अभी भी स्किन टाइट है। तो ये होता है अपने जीन्स में होता है। तो सबसे पहले तो अनुवांशिकता इस चीज़ में बहुत बड़ी मायने रखती है, लेकिन कहते हैं ना ढलती उम्र छुपाए छुप नहीं सकती, वैसा होता है। उम्र के साथ साथ में जो हमारे शरीर में जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके साथ साथ में जो केमिकल जो स्किन को टाइट रखते हैं, जो स्किन को लूज़ होने से बचाते हैं, जो हमारे सब इसको करते हैं, वो सब धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें ये जो फ़ोटो है कि 20 से 30 साल की उम्र का है, इसमें हम देख रहे हैं कि बड़ा सुंदर फ़ोटो है, आँखें सुंदर, उसके ऊपर की आईब्रोज बड़ी टाइट है, पूरे गालों की स्किन बिल्कुल टाइट है। और हम देख रहे हैं ये 50 साल की स्किन, इसमें देख रहे हैं पूरे चेहरे पे एक तो झुर्रियाँ आ गई हैं, हम देख रहे हैं कि आय की जो ऊपर की जो कमानी है वो ढीली हो गई है, हम देख रहे हैं यहाँ पे इसमें फोल्ड पड़ गई है, होंठ ढीले हो गए हैं, और सारे के सारे चेहरे में जो है इसको बोलते हैं एजिंग प्रोसेस और जो बोलते हैं उम्र हो गई है। लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों के लिए मेडिकल साइंस एक वरदान की तरफ आया है। इसमें ना कोई दवा के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आई हैं, सारी एक एक चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं। ये सारी आँखों के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम है, इन सब के लिए बोटॉक्स के इंजेक्शन जो आपने नाम सुना होगा, जो अब काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग सब लोग कर सकते हैं। यहाँ के जो आँखों के नीचे के जो पोर्शन है इसमें फिलर्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स आजकल नेचुरल आए हैं, तो केमिकल्स इसमें भरने के बाद में ये स्किन टाइट और ये स्किन के अंदर का जो झुर्रियाँपन पूरा ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ लेकिन जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, जो दवाइयाँ देते हैं, वो भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ इसको नहीं होने के लिए धूप से बचना एक सिंगल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, और प्रॉपर डाइट, विटामिन्स की चीज़ें लीजिए, पानी भरपूर पीजिए, और नींद बराबर लीजिए, स्ट्रेस और कुछ दवाइयाँ जो आपको बीमारियाँ चल रही है उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दर्शकों एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और उपयोगी जानकारी डॉक्टर संजय जी ने हमें दी है। हो जाए तो उससे हम कैसे बचें और नहीं होने चाहिए उसके लिए जो ज़रूरी उपाय है उसके बारे में हमें जानकारी मिली है, और हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी हम सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी। सर, अब जैसे हमने कहा कि सौंदर्य तो हर व्यक्ति के लिए हर उम्र में ज़रूरी है, फिर भी युवावस्था में ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि किशोरावस्था से जब कोई युवा उस अवस्था से निकलता है तो कोशिश करता है कि समाज में उसकी एक अपनी पहचान स्थापित हो, खासकर अपना जो विपरीत लिंग होता है, लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी कोशिश करती है, और निश्चित तौर से फिर जो बाह्य सौंदर्य है वो उसमें काफ़ी मायने रखता है। और हमने देखा है कि बाह्य सौंदर्य आपकी त्वचा से निर्धारित होता है, और इसलिए बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसका प्रचलन बढ़ गया है। टीवी पर तरह तरह के उत्पादों का विज्ञापन हो रहा है, मैगजीन, इंटरनेट सब जगह इन विज्ञापनों से भरी हुई है। हमारे युवक कन्फ्यूज़ हैं कि इनमें से कौन से कॉस्मेटिक्स उनके उपयोगी है, पहली चीज़। और जिस तरह से हमें चर्चा में निकला कि कुछ एक जो दवाइयाँ चेहरे पर लगाई जाती है उससे फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है, तो दूसरा प्रश्न कि उन्होंने कौन सी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए जो उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। सबसे पहले तो ये बात है कि हमें सारे कॉस्मेटिक की ज़रूरत क्यों है। अब जैसे हमें साबुन चाहिए, साबुन का काम जो है जो हम लोग पसीना आता है, जो डर्ट होती है वो निकालना, तो साबुन आप जो हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं, जो आपके चेहरे पे और बदन पे जिसने आज तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं किया वो आपके लिए बेहतर है।
अब ठंड में आपको स्किन ड्राई होती है, इसलिए आपको ज़रूर एक साबुन चाहिए जो एक ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो साबुन का एक तरीका ऐसा है कि साबुन के ऊपर एक TFM परसेंटेज लिखा होता है, ट्रांसफरेबल फैटी मटेरियल। ये जितना ज़्यादा अच्छा हो उतना साबुन जो है सॉफ्ट और जो ऑयली होता है, जो आपकी त्वचा को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ये 70% या 75% के ऊपर जो है वो ज़्यादा अच्छा। दूसरा रहा शैम्पू। शैम्पू हम लोग बाल साफ़ करने के लिए करते हैं। शैम्पू के लिए शैम्पू जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का काम है सिर्फ बालों की गंदगी साफ़ करना। तो शैम्पू आप लोग जो इस्तेमाल करते आए हैं अभी तक के, जिससे आपके बाल रुखे ना होते हो, वो शैम्पू आपके लिए अच्छा है। या किसी भी अच्छी कंपनी का शैम्पू जो आज तक करते आए वो आपने करना अच्छा है। लेकिन शैम्पू के साथ साथ जो हम लोग के यहाँ बाल धोने के बाद जो बाल तेल लगाने की जो प्रथा है, जो हम कंडीशनिंग बोलते हैं, कोकोनट ऑयल और जितने भी तरह के ऑयल हम लोग भारतीय लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही उम्दा किस्म के कंडीशनर है। लेकिन नई पीढ़ी को तेल या इस तरह का लगाना जो पसंद नहीं है, तो वो लोग अच्छा कंडीशनर जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप शैम्पू करते हो कंडीशनर लगाइए। तीसरा रहा आपको क्रीम। तो जैसा कि आप कह रहे थे, कोई भी क्रीम को फेयर, कोई भी क्रीम से हम लोग गोरे हो जाएंगे, किसी क्रीम से पिंपल्स चले जाएंगे, कोई क्रीम जो दावा करती हो कि इससे बिल्कुल आपकी एज जो है 50 की 20 दिखने की, ये सारे के सारे दावे हैं, खोटे हैं। और ये आपको भी समझ सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ में अगर कहीं होता हो तो सारे के सारे लोग अपने जवान दिखते ही होते हैं। तो ये है कि आप यही चीज़ों से नुकसान होने का संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करिए। आपको जो क्रीम चाहिए सिंपल, आपको ठंडियों में कोई क्रीम चाहिए तो आप कोई वेनिशिंग क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपने कहा कि चेहरा अच्छा होने के लिए क्या किया जाए, सबसे अच्छा है कि मुझे किसी भी यंग जनरेशन के लिए एक अच्छा सनस्क्रीन और धूप से बचना। अब सनस्क्रीन जो करने के लिए, आपको यूज़ करने के लिए एक डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो नहीं तो किसी अच्छे कंपनी का जो सनस्क्रीन स्टैंडर्ड आप इस्तेमाल करने से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हुआ हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक जनरल ये 3 से 4 चीज़ें जो ज़रूरी है वो करके आपने अपना इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो सर संक्षेप में इस तरह समझें कि अगर कोई हमने प्रोडक्ट यूज़ करना है तो जो प्रतिष्ठित कंपनी का और काफ़ी दिनों से जो प्रतिष्ठित प्रचलन में हमने उसी का करना चाहिए। पहली कोशिश जितना हम नेचुरल हैं उतना अच्छा है, और जितने भ्रामक विज्ञापन हैं उनसे हमने बचना चाहिए। सर अब हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो हमारे विशेषज्ञ आते हैं तो उनके जीवन, उनकी पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व से संबंधित कुछ एक पहलुओं को हमारे दर्शकों सामने हम प्रस्तुत करते हैं। ये उनके लिए जानकारी का काम करते हैं, साथ में प्रेरणा का भी काम करते हैं। सफलता के जिस मुकाम पर आज आप हैं, निश्चित तौर से दूसरों के एक उदाहरण, एक रोल मॉडल हैं। सीधा सा प्रश्न है कि आप इस सफलता को या अपनी फिलॉसफी, जीवन की फिलॉसफी क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि एक कड़ी मेहनत और कोई भी काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से लेके उसको पूर्णत्व तक जाने तक एक उसके पीछे की एक जो छटपटाहट, इसके साथ मुझे लगता है कि मेरे विषय से संबंधित जो भी नई चीज़ें हो रही है या होने जा रही है उसका उपयोग मैं मेरे विद्यार्थियों के लिए और उन पेशेंट के लिए मेरे कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, और आखिरी बात मेरे घर में, मेरे कॉलेज में और मेरे पेशेंट्स, इन सबको मैं कैसे खुश रख सकूं, उनके सारे जो प्रॉब्लम हैं उनको कितने जल्दी ठीक कर सकूं और उनकी खुशी का मैं कैसे भागीदार बन सकूं, इसकी छटपटाहट ही मुझे लगता है कि मुझे एक बेचैन जो रहता हूं मैं कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। मुझे लगता है यही एक कोशिश मेरी हमेशा इसके लिए है। सर एक बहुत अच्छा मैसेज आपने हमारे दर्शकों को दिया है कि किसी भी काम को पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से अगर किया जाए तो काम अपने पूर्णत्व पे, परफेक्शन पे जाता ही है। दर्शकों इसी से संबंधित एक जो छोटी सी कहानी सोशल मीडिया में आई है वो इस तरह से है कि एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था और करीब 50 प्रशिक्षणार्थी उस ट्रेनिंग सेशन में उपस्थित थे। तो वहाँ के प्रशिक्षक ने बीच में ट्रेनिंग सेशन रोक दिया और सभी से कहा कि यहाँ पर 50 गुब्बारे हैं, मार्कर इसको फुलाकर आप मार्कर पेन से इस पे अपना नाम लिखिए और बगल वाले कमरे में छोड़ दीजिए। सभी ने ऐसा किया और फिर कहा कि अभी मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ के फिर से यहाँ पर 5 मिनट में आ जाइए।
सभी तुरंत दौड़े अपना अपना गुब्बारा खोजने के लिए। काफ़ी चीख पुकार हुई, कोहलाल हुआ, हो हल्ला हुआ, नतीजा शून्य। 5 मिनट और बढ़ाए गए लेकिन नज़ारे में कोई फर्क नहीं पड़ा, वह की वही। 10 मिनट बाद सब लोग खाली हाथ आ गए। ट्रेनर ने पूछा क्या हुआ, उत्तर सबका नहीं का था। ट्रेनर का ठीक है, उसको बदल देते हैं। अब आप ये कीजिए, अब मैं आपको वापस उसी रूम में भेज रहा हूँ। अब जिसके हाथ में जो गुब्बारा आए, जो बलून आता है, उस पर जिसका नाम है आप उसको पुकारिए और उसके हाथ में दे दीजिए। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप सब लोग फिर से आ जाइए। आश्चर्य की बात, 3 मिनट में सभी लोग अपने अपने गुब्बारे बलून के साथ वापस आ गए। ट्रेनर ने पूछा ऐसा कैसा संभव हुआ, तो वैसे जिस चीज़ का नाम आया था हमने दे दिया और उसमें 5 मिनट भी लगे, 3 मिनट में हम लोग लेके आ गए। प्रशिक्षक कहा कि ये मेरे ट्रेनिंग का उद्देश्य था कि जब आप अपनी खुशी ढूंढते हो तो आप सिर्फ खोजते रह जाओगे, आपको खुशी नहीं मिलेगी, आप भटकते रह जाओगे, और जब आप दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं तो दूसरे को तो आपने खुश किया ही किया है, अपने आप में आप खुश हो गए और सब जगह जो कोलाहल का माहौल था आज एकदम शांत खुशी का माहौल है। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज डॉक्टर संजय के साथ में हमने शेयर किया है और ये हमारे लिए उपयोगी है। हमारी खुशी हम दूसरों के साथ ढूंढें, उनके साथ शेयर करें। कहते हैं कि खुशी बांटने से दुगुनी होती और दुख बांटने से आधा होता है। कार्यक्रम आपका अपना है, इस विषय में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया, इनका हमें हमेशा से इंतज़ार रहा है। बदलते समय के साथ जब हर एक के पास में एंड्रॉयड और मोबाइल फ़ोन एक ज़रूरत हुई है, स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपका आने वाला कल आज से अधिक स्वास्थ्यवर्धक और मंगलमय हो, ये हमारी हमेशा से शुभकामना रही है। अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और सर, एक बहुत ही रोचक विषय पर एक बहुत दिलचस्प तरीके से आपने हमारे दर्शकों को जो मार्गदर्शन किया है, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।